तो प्यारे बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे DOE की तरफ से प्रोवाइड किए गए मिशन मैथमेटिक्स क्लास 10 क्वेश्चन ऑफ द डे की वर्कशीट को, जो कि 25 जनवरी यानी आज के लिए है। तो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। इंग्लिश में पहले देखो, इन फिगर्स ए सेक्टर ओ ए पी ऑफ ए सर्कल विद सेंटर ओ हैविंग सेंट्रल एंगल थीटा इज शोन। ए बी इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस ओ ए एंड मीट्स ओ पी प्रोड्यूस्ड एट बी। प्रूव दैट द एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज आर टेन थीटा माइनस फाई आर थीटा डिवाइडेड बाई 360। तो यहाँ पर मिस्टेक का ध्यान रखना। पहले हिंदी में देख लो, चित्र में केंद्र ओ वाले वृत्त का त्रिज्यखंड ओ ए पी जिसका केंद्रीय कोण थीटा है, जैसा कि आप देख रहे हो दर्शाया गया है। ए बी त्रिज्या ओ ए पर लंब है जो ओ पी को बढ़ाने पर बी पर मिलती है। सिद्ध कीजिए कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल आर टेन थीटा माइनस पाई आर थीटा बटे में 360। तो यहाँ पर गलती ये है कि ये लास्ट में जो कंडीशन है, यहाँ पर इस हिसाब से भी आर टेन थीटा आर बटे में 2 होना चाहिए माइनस पाई आर थीटा बटे में 360 ऐसे होना चाहिए प्रूफ करने के लिए। लेकिन इसमें भी देखो, एक बार कॉमन दोनों में फिर से है, एक तो ये आर है और इसमें से भी ये आर है, तो मतलब ये आर भी बाहर निकल आएगा। तो यहाँ पर आर की जगह आर स्क्वायर हो जाएगा और ये दोनों कट जाएंगे। तो प्रूफ करने के लिए क्वेश्चन में होना चाहिए आर स्क्वायर टेन थीटा बटे में 2 माइनस पाई आर हट गया थीटा बटे में 360 यही होना चाहिए। तो ये करेक्शन करना है, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन देखो ध्यान से। पहले हिंदी में देख लो, उसके बाद में इंग्लिश में भी मैंने लिख रखा है, देख लेना, ठीक है। अलग अलग सबसे पहले सिद्ध करना है, लिखेंगे आर स्क्वायर टेन थीटा बटे में 2 माइनस पाई थीटा बटे में 360। ये करेक्शन करना है आपको क्वेश्चन में, ध्यान रखना। फिर त्रिभुज ओ ए बी में, ओ ए बी में, अब यहाँ पर ये दिया है थीटा, तो हम लगा देंगे टेन थीटा। ये क्या होता है, लंब बटे आधार। लंब क्या है, ए बी, आधार क्या है, ओ ए। लिख दिया, इसकी वैल्यू रखो, ए बी पर ए बी, ओ ए दिया है, ओ ए दिया है आर, क्या रख दिया यहाँ पर आर, बटे एक लगा के क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ए बी एकम ए बी आ जाएगा, टेन थीटा का आर से गुणा होगा तो आर टेन थीटा हो जाएगा, समझ गए। ए बी आ गया, मतलब ये तो आर दिया था और ये आ गया ए बी, कितना आ गया आर टेन थीटा। अब छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है, मतलब ये जो है, ठीक है ना। इतना तो सबसे पहले देखो, पूरा तो त्रिभुज है ना, तो पूरे त्रिभुज के क्षेत्रफल में से ये इतना त्रिज्यखंड बन रहा है, इस क्षेत्रफल को हम घटा दें तो अपने आप ऊपर का छायांकित बच जाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ठीक है। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, आधार गुणे ऊंचाई, चाहो तो लिख दो 1/2 आधार क्या है ओ ए, लिख दिया, ऊंचाई क्या है ए बी, ए बी लिख दिया, माइनस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर होता है, रख दिया। अब ध्यान से समझना यहाँ पर, ठीक है। 1/2 पे 1/2 ओ ए, ओ ए ध्यान से देखो, ओ ए क्वेश्चन में दिया है आर, ठीक है ना, आर दिया ना ओ ए, आर रख दिया। ए बी, ए बी क्या निकाल लिया, ऊंचाई क्या निकाले हो, आर टेन थीटा, इसकी वैल्यू रख दी, माइनस थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर सेम लिख दिया, ठीक है। आगे देखो, 1/2 आर, आर का गुणा करो आर स्क्वायर टेन थीटा माइनस थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर, दोनों में आर स्क्वायर कॉमन है ना, बाहर निकाल लो, तो बाहर निकालोगे तो इसमें बचेगा टेन थीटा बटे में 2 और इधर बचेगा थीटा पाई भी है, पाई थीटा बटे में 360, ठीक है। तो ये हमको प्रूव करना था, आर स्क्वायर कॉमन था दोनों में, बाहर निकाल लिया, तो टेन थीटा बटे में 2 माइनस
पाई थीटा बटे 360 लिख दो इति सिद्धम, मतलब इस प्रकार हमने सिद्ध कर दिया। क्लियर है? अब इंग्लिश मीडियम वाले देख लें, ये हिंदी में था, ठीक है, ये हिंदी मीडियम में था। इंग्लिश मीडियम में देखो, सबसे पहले हैव टू प्रूव सेम लिख लो, आर स्क्वायर टेन थीटा डिवाइडेड बाई टू माइनस पाई थीटा डिवाइडेड बाई 360 इन ट्राइंगल ओ ए बी। टेन थीटा लगाओगे पी बाई बी यानी प्रपेंडिकुलर बाई बेस, तो इसकी वैल्यू ए बी, बेस कितना है आर है, बेस है आर, ठीक है, ध्यान रखना ये बेस आर है और प्रपेंडिकुलर ए बी। तो उसके बाद में बाई वन लगा के क्रॉस मल्टीप्लाई, ए बी का वन से होगा ए बी, टेन थीटा का हो जाएगा आर से, तो आर टेन थीटा, ये समझने के लिए लिखा है, ठीक है, ध्यान रखना। फिर एरिया ऑफ शेडेड रीजन, तो यहाँ पर एरिया ऑफ ट्राइंगल, ये ट्राइंगल है ध्यान रखना, माइनस एरिया ऑफ सेक्टर, ठीक है, इसकी इसका फॉर्मूला अप्लाई करो, फिर इसकी वैल्यू पुट करो, एरिया ऑफ ट्राइंगल वन बाई टू बी इंटू एच, बेस इंटू हाइट, माइनस एरिया ऑफ सेक्टर थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पर इसकी वैल्यू रखो वन बाई टू बी आर, बी पर आर रख दिया, एच, एच आपने निकाल लिया, एच आपका ए बी था, तो आर टेन थीटा, ठीक है, माइनस थीटा 360 पाई आर स्क्वायर, दोनों में आर स्क्वायर कॉमन है, बाहर निकाल लिया, बचा टेन थीटा बटे टेन थीटा डिवाइडेड बाई टू, माइनस इधर बच रहा है पाई थीटा डिवाइडेड बाई 360, ठीक है ना, और लास्ट में लिखना प्रूव्ड, प्रूव हो गया, ठीक है ना, क्लियर है, तो इंग्लिश मीडियम में हो गया। तो इसी के साथ ही वर्कशीट कंप्लीट हो गई, आई होप अच्छे समझ में आया होगा, फिर भी कहीं पर डाउट है तो कमेंट कर सकते हो, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर सकते हो, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर सकते हो, मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड टेक केयर।